नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ न्यूज लाइव में। दोस्तों मैं कुछ कहूं इसके पहले आप स्क्रीन पे चल रहा ये वीडियो देखिए। यकीनन इस वीडियो के चलने के बाद में वसई विरार महानगर पालिका की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और ये पहले आप वीडियो सुनिए, इसमें क्या बयान है क्या है, फिर उसके बारे में पूरी बात मैं आगे करता हूँ। और वसई विरार का भी 2 घंटे अंदर 1 साल से चल रहे हैं, आप लोग कार्यकर्ता कोशिश रहे हो, चुनाव का भी तैयारी में कंपनी भी इनका भी रडार पे है, अगर ये भी अंदर जाएगा कंपनी भी इनका भी रडार पे है, अगर ये भी अंदर जाएगा और महापालिका चुनाव में इनका कोई नेता लोग बाहर नहीं रहेगा या निकले रहे तो ये सुन दे मेरा। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो है वसई विरार अंतर्गत तहसील कार्यालय के बाहर आज बीजेपी द्वारा आंदोलन किया जाने का। सबको मालूम है कि कल नवाब मलिक का जो गिरफ्तारी हुआ उसको लेकर आज बीजेपी राज्य भर में आंदोलन कर रही है। और उसी आंदोलन में बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग के समय मांग को लेकर यह आंदोलन वसई तहसील कार्यालय के बाहर किया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि मामला नवाब मलिक के इस्तीफे का है, उसका वसई विरार की राजनीति से क्या ताल्लुक। तो आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया ये वीडियो है, यही उस चीज का ताल्लुक है। दरअसल मामला था नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का, लेकिन वहां पर बीजेपी के नेता उत्तम कुमार ने जो बयान दिया, इस बयान से वसई विरार महानगर पालिका की राजनीति में भूचाल आना स्वाभाविक है। इन्होंने अपने बयान में क्या कहा आपने सुना है, इन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि विरार कंपनी भी रडार पर है। अब विरार कंपनी किसके लिए इस्तेमाल होता है ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये सभी जानते हैं कि विरार कंपनी वसई विरार में कौन है। और उसके बाद में उत्तम कुमार ने आगे बढ़कर ये भी कहा कि विरार कंपनी पूरे रडार पर है और आने वाले चुनाव में इनके नेता घर में बैठे रहेंगे। अब ये सीधा का सीधा आरोप, सीधा का सीधा ये उनका इशारा है, वो बहुजन विकास आघाड़ी के स्थानीय नेता आमदार के ऊपर है, ये सबको मालूम है। अब यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति की, मैं वसई विरार की राजनीतिक परिस्थिति की बात करूं तो वसई विरार में बहुत जल्दी वसई विरार महानगर पालिका चुनाव होने हैं, उसकी प्रक्रिया जारी है। मुख्य रूप से वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत बहुजन विकास आघाड़ी जो है वो 30 सालों से सत्ता में है। महानगर पालिका के गठन से आज तक बहुजन विकास आघाड़ी का अपना मेयर चुना जाता रहा है और आने वाले चुनाव में भी बहुजन विकास आघाड़ी को कोई टक्कर दे ऐसा अभी फिलहाल प्रतीत नहीं होता है। अभी भी आज भी बहुजन विकास आघाड़ी नंबर एक पार्टी वसई विरार में है। अब बात करें दूसरी पार्टियों की, बहुजन विकास आघाड़ी के सामने विपक्ष में मुख्य पार्टी के तौर पर केंद्रीय राजनीति में भले ही बीजेपी हो, लेकिन वसई विरार में बीजेपी उतनी आगे नहीं है जितना कि महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, उसमें भी शिवसेना का वर्चस्व ज्यादा है, कांग्रेस का अपना कुछ वर्चस्व है और एनसीपी का भी कुछ वर्चस्व है। अब बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता है उनके सबसे रिलेशन अच्छे हैं, ये बात सब जानते हैं, चाहे फिर बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, ऊपर लेवल पर इनके रिलेशन सबसे अच्छे हैं। स्थानिक की हम बात करें, स्थानिक लेवल की, तो अभी हाल ही फिलहाल में जब से वसई विरार में 2 साल से महाविकास आघाड़ी आई है तब से यहां स्थानिक लेवल पर शिवसेना और बहुजन विकास आघाड़ी में तनातनी का माहौल रहता है। इसके लिए कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, कभी यह कयास लगाया जाता है कि महाविकास आघाड़ी और बहुजन विकास आघाड़ी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसकी उम्मीद काफी कम है। कभी यह कयास लगाया जा रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा दोनों मिलकर चुनाव मैदान में साथ में उतर सकते हैं। अब आज जो ये बयान सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति जो है वो पूरी बदलने वाली है। अगर बहुजन विकास आघाड़ी और भाजपा साथ में जाते हैं तो ये सवाल रहेगा कि किस तरह से ये युति जो है, जो आज आरोप लगा रहे हैं, वो किस तरह से कल उनके साथ जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने इशारों इशारों में बीजेपी ने ये कह दिया कि ईडी के रडार पर बहुजन विकास आघाड़ी के नेता है। इसका मतलब एक मायने में ये प्रेशर की पॉलिटिक्स भी हो सकती है,
अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपका भी हश्र वही करेंगे जो आज एनसीपी का हो रहा है। ये इशारा भी हो सकता है, यानी आने वाले दिनों में बहुजन विकास अघाड़ी और भाजपा का रिश्ता कैसा होगा ये तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन आज इस बयान ने बहुत कुछ इसमें अभी से कह दिया है। लेकिन इस बयान के बाद में बड़ा ही नाटकीय मोड़ तब आया जब खुद पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बयान से कन्नी काट ली। ये बयान लेने के बाद में पार्टी जिलाध्यक्ष राजन नाइक से जब इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि बयान देने वाले से पूछिए। आपके भी एक वक्ता ने ये कहा कि यहाँ के लोग भी जाएंगे ईडी, उनको पूछो जाए। तो मतलब एक नेता जब उनके बोलते इस तरह से पब्लिक के अंदर बोलते हैं, प्रदर्शन के अंदर बकायदा बोलते हैं कि ये राडार पर है, वहीं उसी मंच पर पार्टी जिलाध्यक्ष जो है उस बात के लिए अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। यानी यहाँ भाजपा भी जो है वो सीधे सीधे दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। भाजपा का खुद अपना स्टैंड मजबूत नहीं है, लेकिन ये अंदेशा जरूर है कि आने वाले समय में भाजपा कुछ ना कुछ प्रोपागेंडा जरूर वसई विरार में करेगी, क्योंकि भाजपा की राजनीति ही प्रोपागेंडा राजनीति रही है। आज के लिए इतना ही। वसई विरार की राजनीति नजर बनाए रखेंगे और आने वाले चुनाव के पहले हर नई नई अपडेट की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं